नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 10वां लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके देख पाओगे। तो फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें हम आगे के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आपको बताना है इसमें से। तो ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, या भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप सभी को पता हो तो इंदौर में सबसे पहले देखने को मिलती है। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर गए थे, अब इन दोनों में हमें देखना है। तो इंदौर के बाद जो है वो भोपाल में तो नहीं रहती, लेकिन इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा है भोपाल का। तो ऐसा मैं समझना कि भोपाल में सबसे ज़्यादा रहती होगी। इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर, जबलपुर के बाद सागर, और सागर के बाद जो है भोपाल में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। जनगणना से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता हो तो 7,26,26,803 के करीब जो है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि भारत की 6% है। ठीक है, भारत का 6% है जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करते हैं, तो ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंदौर में ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। घनत्व तो आपसे पूछ लिया है कि घनत्व तो जो है वो बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो है वो कितना है और भारत का, दो चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश का आपसे पूछ लिया है तो 236 है, और इंडिया का आपसे पूछ लिया है कि इंडिया का जो है वो कितना है, तो 382 जो है वो इंडिया का है। तो इसे आपको याद रखना है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात करें तो 931 जो है वो ये एमपी का है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया का, ठीक है, तो 943 जो है वो ये है इंडिया का है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो है वो आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो है वो भिंड जिले में। ठीक है, शिशु की बात करें तो सबसे कम जो शिशु लिंग अनुपात है वो मुरैना में है, और सबसे अधिक जो है वो अलीराजपुर में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आपको याद रखते हुए चलना है। जो 2011 की जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की आपसे पूछ ली जाए तो 7वीं थी स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 1872 में मियो के टाइम पर, लॉर्ड मियो के टाइम पर जो है वो पहली बार जनगणना हुई थी। फिर 1881 में रिपन के टाइम पे जो था वो नियमित रूप से जनसंख्या जो है वो गणना होने लगी थी। ओके, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्स लेना चाहते हो या फ्री क्लासेस, तो यहाँ पर अभी आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये एमपीएसआई, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी के लिए यहाँ पर जो है वो ये प्राइस है, तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इसे खरीद सकते हो। ये पटवारी का है आने वाली भर्तियों के लिए, वही बात की जाए तो ये एसआई का है, और ये आपको जेल पहरी कैटेगरी का है, और मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाली भर्तियों के लिए भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्लस और फ्री कोर्सेज दोनों ही जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फ्री क्लासेस में आपको क्या रहेगा कि लिमिटेड सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सब जो है लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हो तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, एमपीपीएससी, प्री, मेंस, एसआई, ठीक है, फॉरेस्ट का। और बात की जाए तो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे, पीडीएफ प्रत्येक सेशन की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, फुल लेंथ जो है वो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो 2000 से ऊपर जो है वो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। ठीक है, बेनिफिट, पहली बार लाइव क्लासेस रहेगा, जो आपके फेवरेट टीचर है उन्हीं के साथ आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर डिफरेंट बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट सेशन आपके होंगे लाइव। और बात की जाए, आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है वो जितने भी एजुकेटर हैं जिसे आप पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जो है वो उन पर पढ़ पाओगे। पीडीओ ऑफलाइन, ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स, ये सब आप ऑनलाइन ऑफलाइन देख पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है, तो इसे अगर आप अभी ज्वाइन करते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, तो इसमें आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप
ऑडियो कॉल से जुड़ पाओगे और आपके डाउट, एग्जाम की डिस्कशन स्ट्रेटजी और जो भी आप पूछना चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको जो है वो पूछ सकते हो। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो अभी। ओके, यहाँ पर अलग अलग आपको जो है वो टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मार्च माह की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर अभी MPPSC मेंस मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये फ्री है, तो इसे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड अभी मार्च माह में जो अपकमिंग बैच हैं, एक 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है MPPSC के लिए और मेंस 2022 के लिए, ठीक है, 8 मंथ का रहेगा ये भी 8 मंथ का रहेगा, ये 9 मार्च से 16 मार्च से अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इसे आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए आपको जो है वो 16 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। MPPSC मेंस पेपर 5 और 6 आंसर राइटिंग के लिए आप 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और 8 मंथ का फाउंडेशन बैच आपको यह देखने को मिलेगा 23 मार्च से। इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो ये 30 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हो, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और आपको अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, तो वहाँ से आप जाइए और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आप याद रखना GE10 कोड यूज करना, रेफरल कोड, जिससे आपके जो है प्राइस जो है वो सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग मंथ के हैं, ये 3, 6, 12 और 24, तो जिस जितने भी आप मंथ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और सीधा सीधा आपको जो है वो प्राइस जो है वो आपके ड्रॉप हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आला लोकगीत ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या गोडवाना में? तो ये आला आपको आला उदल के लोकगीत होंगे जो वीरता से भरपूर है एक तरीके से, और ये आपको देखने को मिलता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो आपको अगर मध्य प्रदेश का जो नक्शा है तो अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि ये हमारा जो है वो ये मध्य भारत का क्षेत्र होता है, ये मालवा का होता है, ये सतपुड़ा हो गई, ये सोन घाटी हो गई, यहाँ पर बेतनी रेंज हो गई, ठीक है, ये हो गया बुंदेलखंड। यहाँ पर बात की जाए तो रीवा पन्ना हो गया, ये बघेलखंड का होता है। तो इन सबको आपको जितने भी जो पठार हैं या भागों में जो विभक्त किया गया है मध्य प्रदेश को, उनको आपको याद रखना है और वहाँ पे 4 चीजें, तो ये आला जो है वो आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलता है, यह लोकगीत है दरअसल। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों से बनता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ए और बी दोनों, या क्वार्ट्ज और सेंट से? तो जो सतपुड़ा पर्वत की जो क्षेत्र है, मैंने अभी आपको बताया कि सतपुड़ा पर्वत का जो क्षेत्र है एक तरीके से, ये वाला जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा का है और ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलता है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ली जाती है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। धूपगढ़ है, इसकी 1350 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। और यह आपको बात की जाए तो सतपुड़ा की रानी जो कहा जाता है वो धूपगढ़ को ही कहा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है, यहाँ से काफी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल में। भोपाल में जो है वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, या कहा जाए भारत का पहला मानव संग्रहालय, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन तरीके से पूछा, तो भारत का पहला मानव संग्रहालय भी आपसे पूछ लिया है, तो यही है, और इसी को नाम से इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो बात की जाए भोपाल में, भारत भवन हो गया जिसका वास्तुकार चार्ल्स कोरिया 1982 में जो है ये बनाया गया था, भारत भवन हो गया, रविंद्र भवन हो गया, तो ये आपको याद रखना है, विधानसभा भवन हो गया, तो ये आपको जो है वो भोपाल में ही देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, ताप्ती, कृष्णा, लूनी या बात की जाए नर्मदा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि बंधित, मतलब होता है कि वह भूमि से ही निकलती है, जाहिर सी बात है भूमि से नदी निकलती है और यह भूमि में ही जो है वो खत्म हो जाती है। इनकी जो बहाव है ना तो किसी सागर से मिलता है ना किसी और नदी से मिलता है, ठीक है। तो ये भूमि बंधित नदी जो है वो लूनी है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। लूनी नदी दरअसल जो ये कहाँ से निकलती है, तो अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली
पर्वत से निकलती है, ठीक है। अरावली पर्वत जो कि विश्व की सबसे ओल्ड पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो ये काफी कुछ दिया जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो है वो सीमा बनाती है एक तरीके से देखा जाए अरावली पर्वत। तो लूनी नदी जो है ये कहाँ कहाँ पर बहती है, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है, गुजरात और राजस्थान में दरअसल जो बहती है, और जो रण और कच्छ है तो वहां पर जो है वो ये समाप्त हो जाती है लूनी नदी, तो याद रखना है। और ताप्ती नदी आपको पता है तो बैतूल से निकलती है, कृष्णा नदी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, नर्मदा नदी जो है वो ये अमरकंटक से निकलती है। तो इन सबको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी पर, चूलिया प्रपात चंबल पर, जो प्रपात कृष्णा पर, और बात की जाए धुआंधार प्रपात ये आपको नर्मदा नदी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जोग चर प्रपात दरअसल जो है वो साबरमती, साबरमती नदी पर निर्भर है, न कि जो है वो कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो याद रखना है, बाकी शिव समुद्रम, चूलिया, धुआंधार, नर्मदा नदी पर आपको और भी बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जैसे कि सहस्त्रधारा जलप्रपात हो गया, दुग्धधारा जलप्रपात हो गया, कपिलधारा जलप्रपात हो गया, ये नर्मदा नदी पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी पर एक बांध पूछा जाता है, नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्णा नदी पर है, काफी बार जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप याद रखना नागार्जुन बांध जो है वो किस नदी पर है, कृष्णा रिवर पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल, पॉमस्टन, हेडली या ग्लेस्टोन। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो यहाँ से दो क्वेश्चन तो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं कि उस समय गवर्नर कौन था और बात की जाए प्रधानमंत्री कौन था, तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। गवर्नर की अगर हम बात करें तो कैनिंग था, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का ये था पमस्टन, ठीक है, पमस्टन। और ये पूछ लिया जाता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो है वो ब्रिटेन का जो है वो प्रधानमंत्री कौन था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो क्लेमेंट एटली जो था वो था, तो स्वतंत्रता के समय कौन था, हेटली, हेटली था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, ठीक है। जे बी कृपलानी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो मोस्टली आपको याद रखना है गवर्नर और जो प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में गोविंद सागर झील स्थित है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। देखिए, एक गोविंद सागर झील है और एक है गोविंद गोविंद पंत वल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये दो जो है वो झीलों में काफी कंफ्यूजन होता है, तो गोविंद सागर झील आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर आपसे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि मानव द्वारा निर्मित है यह आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यूपी में देखने को मिलेगी, जो कि मानव निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है, ये सबसे बड़ी जो है वो मानव निर्मित है, तो याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको काफी चीजें जो है देखने को मिलती हैं, दर्रा काफी पूछ ले जाते हैं यहाँ से, दर्रा कौन कौन से हैं, एक रोहतांग दर्रा हो गया, एक शिपकिला दर्रा हो गया, ठीक है, बारालाचा दर्रा हो गया, तो ये तीन दर्रे तो आपको याद रखना है, कौन कौन से, रोहतांग, शिपकिला, बारालाचा, ठीक है, ये तीन दर्रे जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था, मार्च 1995 में, मार्च 1996, 1997 में या मार्च 1998 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था मार्च 1998 में। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस समारोह परेड में भारत के किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की गई थी। अभी 2021
यह बात की जाए तो झांकी जो है वो पूछी गई थी। अब देखिए अभी इसको 2021 की जगह आप 2022 कर लो, ठीक है 2022। दो हजार बाईस की ठीक है, तो यह बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी, और राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया, तो इसके लिए जो है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो यूपी को जो है वो घोषित किया गया था। और जो 2022 में गणतंत्र दिवस जो था वो 73वां बनाया गया था, ठीक है तो ये भी आप याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1950 में जो है वो संविधान को लागू किया गया था, तो इसी की याद में जो है वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, तो ये याद रखना है। लेकिन बन के जो है वो पहले ही बन गया था, लेकिन जो लागू हुआ था वो इस समय हुआ था, तो इस वजह से जो है वो बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंख अभियान जो है योजना प्रारंभ कब की गई थी, 8 मार्च 2020 को, 1 मई 2020 को, 24 जनवरी 2021 को, 8 मार्च 2021 को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यह दरअसल 24 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है 8 मार्च को जो है वो महिला दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 1 मई को जो है वो लेबर बनाया जाता है, लेबर मजदूरी दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस आपको याद रखना है। पंख अभियान दरअसल जो है वो बालिकाओं के लिए जो है वो चलाया गया था, पी पंख, इससे मतलब प्रोटेक्शन सुरक्षा, ठीक है ये याद रखना है, अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज, ठीक है, और एच से बात की जाए तो हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन मतलब स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है तो ये जो है वो पंख अभियान दरअसल जो है वो बालिका दिवस पर चलाया गया था बालिकाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर भोपाल जिला कब बना था, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1972 को, 26 नवंबर 1956 को, 2 अक्टूबर 1972 को। तो भोपाल जो जिला बना था वो सीहोर से अलग होकर जो है वो जिला बनाया गया था, सबसे पहली बात तो आपको ये नोट करना है कि सीहोर से अलग भोपाल बनाया गया था, और ये बनाया गया था 2 अक्टूबर 1972 को। एक 1972 में एक चीज और बनाई गई थी, काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी जो है वो इसको राज्य घोषित किया गया था त्रिपुरा को, तो ये काफी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखना। वैसे अगर देखा जाए तो आपको जो त्रिपुरा है तो इसको पहले जो है वो 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था, कब किया गया था, 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था, उसके बाद 1972 में जो है वो त्रिपुरा को जो है वो राज्य घोषित किया गया था। ये कई बार जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला है, भोपाल की पूछे जाए तो 2 अक्टूबर 1972 को किया गया था, सीहोर से अलग होकर जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश का कहा गया है, उदयगिरी, सूपिया, तुमेन या इनमें से कोई नहीं। तो घटोत्कच वंश का जो अभिलेख देखने को मिलते हैं ये सूपिया में देखने को मिलते हैं, और ये सूपिया दरअसल जो है वो रीवा में आपको देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। रीवा की बात करें तो इसे सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, यहाँ पर सबसे पहले सफेद शेर देखे गए थे, ठीक है, और यहाँ पर आपको चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो किस पर है, बेहड़ नदी पर है, बेहड़ नदी पर है, और एक और देखने को मिलता है बहुत ही जलप्रपात, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी रीवा में ही है, तो लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर जो है वो रीवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के मेले और उनके स्थान में गलत युग्म हमें बताना है, कान्हा बाबा का मेला, सोदालपुर, धमोनी उर्स सागर, माघ घोघरा या मठ, माघ घोघरा का मेला सिवनी, बांधदाता का मेला पचमढ़ी,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। मानधाता का मेला पचमढ़ी में नहीं लगता है, ये लगता है आपको खंडवा में देखने को। ओके, खंडवा में देखने को मिलता है। बाकी कान्हा बाबा का मेला आपको सुदलपुर, उर्स धमौनी, उर्स सागर, मटगांकरा, और एक और बता दूं आपको, नागाजी का मेला, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुरैना में, मुरैना पोषा में देखने को मिलेगा। ठीक है, हीरा दुमिया का मेला, ये आपको ग्वालियर वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ग्वालियर नहीं तो आपको दतिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बात की जाए तो जल विहार का मेला छतरपुर में, ठीक है, कूटमार का मेला, कूटमार ये आपको देखने को मिलेगा छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में महा मृत्युंजय का मेला, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रीवा में। कुंभ का मेला आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। व्यापारिक मेला हो गया वो आपको, बात की जाए तो ग्वालियर में देखने को मिलेगा। सबसे अधिक मेले आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, उज्जैन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कान्हा बाबा होशंगाबाद, जोगेश्वरी अशोकनगर, अशोकनगर। तो मेले हैं और भी बहुत सारे मेले हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना है और इनको जो है वो बार बार आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1956, 1962, 1972 या 1979? तो ये आपको देखने को मिलेगी 1962 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना। नेशनल मध्य प्रदेश की किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है, इंदौर, शहडोल, जबलपुर या उज्जैन? देखिए यह क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात तो संभाग पूछा गया है ना कि जिला पूछा गया है, तो संभाग आपको याद रखना है शहडोल। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको शहडोल में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपसे जिला पूछा जाए तो आपको पता हो तो बालाघाट है, 1021 जो है वो सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है, लेकिन संभाग की बात की जाए तो आपको शहडोल याद रखना है। नर्मदा की कुल सहायक नदियां पूछी गई हैं, 36, 41, 44 या बात की जाए 46? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 41। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो सहायक नदियां देखने को मिलती हैं वो 41 नर्मदा नदी की देखने को मिलती हैं। उपनाम आपको याद रखना है, इनके उपनाम रेवा, मैकाल, सुता, संकरी, और नाम दोसा, दोसा नामा दोस, नाम दोसा ऐसे करके मैं दिया दिया हुआ है ये नाम वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, रेवा, मैकाल, सुता, संकरी, नामा दोस, शिव की पुत्री, शिव की पुत्री। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है जो कि उपनाम है नर्मदा नदी के। ठीक है, 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, 1,070 मध्य प्रदेश में है इसकी। ठीक है, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, गुजरात में भरूच के पास जो है ये, बात की जाए तो अरब सागर में जो है वो गिर जाती है, कर्क रेखा के समांतर बहती है। ठीक है, कर्क रेखा के क्या होती है, समांतर बहती है। कर्क रेखा जो है वो नर्मदा नदी के किस ओर है, तो नर्मदा नदी के बात की जाए तो ये उत्तर की ओर है, कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर की तरफ है, और कर्क रेखा की रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो नर्मदा नदी दक्षिण की ओर है। दरअसल नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो चाहे राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए या अभयारण्य की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन वो कौन कौन से जिले में है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, पूछता है, तो ये जिले याद रखना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि मैं बात करूं कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा कान्हा नेशनल पार्क है, 1955 में इसकी जो है वो स्थापित किया गया था, 1973 में जो है वो 74-3 के करीबन जो है वो आपको इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अभयारण्य की बात की जाए तो आपको नौरादेवी अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा है, छोटा रौला मंडल हो जाएगा, उद्यान में जीवाश्म जो कि डिंडौरी में है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं
और एक रातापानी अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया था, तो रायसेन में है करेरा हो गया अभ्यारण्य आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया आपको जो है वो होशंगाबाद में देखने को मिलेगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया ये भी आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। तो इन सबको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार सब पढ़ना है। सांक नदी का ताजा पानी जलाशय ये ग्वालियर के पास है, तो इस पर बांध बना है दरअसल, तो कौन सा है, तिगरा बांध, बाणसागर बांध, बरगी बांध या दोती बांध? तो इसका आंसर हो जाएगा तिगरा बांध। तिगरा बांध जो है ये सांक नदी पर जो है वो बना है और ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर में से सिंचाई होती है? होशंगाबाद, ठीक है, बैन गंगा, चंबल नहर, वारणा नहर या हलाली नहर? देखिए हलाली आपको जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, विदिशा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, चंबल हो गई तो ये मुरैना मुरैना वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी, बैन वो शिवनी छिंदवाड़ा हो गई, तो वारणा जो है ये होशंगाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। होशंगाबाद का नाम पहले जो था वो नर्मदापुरम था, और अब जो है वो नर्मदापुरम ही कर दिया गया है होशंगाबाद का नाम बदल के, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना होशंगाबाद से। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और कोशिश किया करो कि आप वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहीं पर याद हो जाए, और अगर आपको यह दोबारा से रिवीजन करना हुआ करे वीडियो को, देखिए क्वेश्चन है तो दोबारा से आप रिवीजन करने के लिए आपको क्या किया करो कि इन्हीं वीडियो को दोबारा से डबल स्पीड में चला दिया करो, तो एक बार से फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, जितने भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उनका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मत सोचना कि एक बार देख लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है, आपको बार बार जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता चीज़ों को बार बार आपको रिवाइज करते चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।